अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग है कैंडी सिटी में और सुबह के 6:30 बज रहे। मौसम बहुत अच्छा है, तकरीबन कोई 18-20 डिग्रीज हो रहा है और फॉगी भी हो रहा है हल्का सा। और व्यू आपके सामने है, मैंने व्यू दिखाया है, मतलब बहुत बहुत अच्छी जगह है। तो इधर से हमें कैंडी लेक भी नज़र आ रहा है और तू टेंपल भी नज़र आ रहा है। तू टेंपल बुद्धिस्ट टेंपल है और ये दोनों है टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कैंडी में। और उसके अलावा हम लोग कैंडी घूमने जा रहे हैं अभी, उसके बाद नाश्ता करेंगे और उसके बाद हमारी गाड़ी आएगी और हम निकलेंगे एला के लिए। अच्छा भाई, हम लोग कैंडी की मार्केट में आ गए। 9 बज रहे, नाश्ता वाश्ता कर लिया और मतलब 9 बजे भी पूरी मार्केट खुली हुई है, तो यहाँ पे रात भी जल्दी होती है और सुबह भी जल्दी होती है। अच्छा भाई, ये इन्होंने पूरा प्रोसीजर वगैरह दिखा दिया, अभी हमें ऊपर लेके जा रहे हैं। सामने वाटरफॉल है, माउंटेन्स है और बहुत प्यारा व्यू है, तो ये लोग हमें ऊपर वाले फ्लोर लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ से और अच्छा व्यू आएगा। अगर ऐसा व्यू हो और हाथ में चाय का कप हो तो मतलब और क्या चाहिए यार। अच्छा भाई, अब हम जा रहे हैं एक दुकान में जहाँ पे लकड़ी से सामान बनता है, वुड कार्विंग शॉप, देखते क्या है। खुशखबरी है, वो
वो ये है कि मेरा बकरीद का जानवर रेडी है, देख रहे हैं आप, सिर्फ 30,000 का। इसके अभी क्लोजअप भी आएंगे, देखिएगा। ये है रंबोटा फॉल्स और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल्स है श्रीलंका का, और श्रीलंका में वाटरफॉल भरे हुए हैं, कोई 200-300 के करीब है। अच्छा भाई, हम लोग आ गए नोवेरा एरिया। ये एक हिल स्टेशन है एला के रास्ते पे, और ये इज समवट लाइक नारान और मरी, और देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ ठंड बहुत है लेकिन हुडी पहननी पड़ी है, देखते हैं क्या भाई। तो हम लोग एला पहुंच गए, होटल में आ गए, बहुत लंबी कहानी होटल वाली, और बल्कि सुने आप लंबी कहानी। तो बात कुछ ऐसी है कि नोवेरा एरिया से एला तक का रास्ता तकरीबन 3-3.5 घंटे का है, लेकिन हम लोग को रास्ते के अंदर एक एक्सीडेंट हमारी रोड पे हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत देर तक ट्रैफिक में फंसे रहे, और उसकी वजह से हमें तकरीबन 5 घंटे लगे एला पहुँचते, और हम लोग एला पहुँचे रात के 9 बजे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि एला के अंदर अनस्केजुअल लोड शेडिंग होती है। अब booking.com के ऊपर हमने जो गेस्ट हाउस बुक करवाया था वो था तो काफ़ी अच्छा, 4.7 स्टार रेटिंग थी उसकी, लेकिन मसला ये था कि वो बिल्कुल आखिर में जाके था और उसके चारों तरफ जंगल था, और वहाँ पे लाइट जनरेटर का कोई सीन नहीं था, और लाइट का कुछ पता नहीं था कब आएगी। ऑल वी हैड वाज आर मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की लाइट, और फिर हम लोग ने डिसाइड किया दैट हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, एंड देन वी सेट ऑफ फॉर द सर्च ऑफ अनदर रूम और अ होटल। और बहुत मुश्किलों के बाद तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद हमें एक होटल मिला जहाँ पर हमने अपना सामान वगैरह रखा। एंड अब शाम से हम लोग ने तकरीबन कुछ नहीं खाया हुआ था, तो ऑब्वियसली भूख तो लग रही थी, तो हम लोग ने पूछा कि यहाँ पे कोई हलाल रेस्टोरेंट है, तो पता चला कि सब बंद हो गए थे बाय दैट टाइम। तो वी हैड लकली पैक्ड अप सम टिन फूड, मज़ेदार की बिरयानी वगैरह, और वो हमने खुद गरम करके, खुद पका के, खुद अपने आप सर्व करके खाया। एंड और खाना खा लिया, खाना टिन वाला खाया है क्योंकि यहाँ पे हलाल का मसला हो रहा था, और वो सब करके अब हम जा रहे हैं सोने। एला हम लोग 2 रातें रुकेंगे, एक आज और एक कल, और कल का दिन बहुत टाइम होने वाला है, आज का भी था, तो अब देखते हैं क्या होगा। थैंक यू, और हाँ, खुदा हाफिज़। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इस टूर का कोई फ़ायदा हुआ भी नहीं हुआ या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द ड्राइंग ऑफ द टी लीव्स, एंड देन वी सेंड इट डाउन टू फॉर द क्रश मशीन, एंड देन देयर इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके ओके, आफ्टर क्रशिंग देयर इज सेपरेशन,
After separation, there is the fermentation process in which the trees, the leaves get their color a bit darker, and then they are sent off to be dried 100%. And then after that, they are separated through the electrostatic process. Stalks. And the stalks are separated from their leaves. And then we get a good tea. I mean, brother, he's professional. Let's start making tea. Leave the video. Thank you.